मार के मैदान बता किसी को। अच्छा जो कभी अपने गांव वगैरह में गए हो तो वहाँ पर क्या है कि जब हम जाते हैं ना खेतों में जाते हैं तो ये कांटे से लग जाते हैं हमारे इसमें पजामे में या अपने इसमें कपड़े में लग जाते हैं, जिनको बोलते हैं उल्टा कांटा, सुल्टा कांटा भी बोलते हैं, कोई कोई उसको लठ जीरा भी बोलते हैं और अपना आयुर्वेदिक भाषा में उसको अपामार्ग बोलते हैं। वो हर जगह लगा होता है, उसके लंबे लंबे ऐसे लंबे लंबे से कांटे लगे होते हैं, लंबे लंबे से कहीं देखे होंगे आपने, देखे किसी ने, देखे किसी ने, हाँ उसको बोलते हैं अपामार्ग लठ जीरा और उल्टा कांटा भी बोलते हैं उसको। तो जब हम चलते हैं जो तो खेत वगैरह में तो वो हमारे सारे कपड़ों में चिपक जाते हैं, तो वही है अपामार्ग, उसकी हमने यहाँ पर जड़ ली है अपामार्ग। तो जो इसकी दांतों भी करता है तो उससे दांत उसके ठीक हो जाते हैं, चाहे दांत कितना ही खराब हो अपामार्ग से। ये लौंग का पाउडर है, ये लौंग को सिंपल मैंने मिक्सी में पीस लिया, ठीक है। अच्छा नमक, अगर आपके पास काला नमक सेंधा है दोनों है तो आप दोनों डाल सकते हो, और अगर एक है तो उसको आप 100 ग्राम डाल सकते हो, ठीक है ना, 50-10 ग्राम करने की जगह 100 ग्राम डाल सकते हो। और अमृत धारा जब इसको बिल्कुल भरने लगेंगे शीशियों में मंजन को तब अमृत धारा डालेंगे, नहीं तो उठ जाएगी। अब हम लगभग 100 ग्राम का बनाएंगे, मैंने 1 किलो का लिखा है ना आपको, तो उसका 10वां हिस्सा करेंगे तो सब चीजों का 10वां हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना, उसके प्रोपोर्शन में आप कर लेना। अच्छा अब हमने ये उपलो का कोयला लिया है 100 ग्राम, इसमें छाछ कितनी डलेगी, क्या चीज़ है, ये क्या है, क्या चीज़ है कि मैंने
जब वो 1 किलो है तो बाकी चारों गमले 10-10 उसके 1/10 डलेंगे, ठीक है। सारी चीजें मिल गई। अब ये क्योंकि हमने इसमें घी डाला है, वो दूध डाला है, छाछ डाला है, दोनों में थोड़ी पानी की मात्रा होती है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, ठीक है। इसको हम धूप में सुखा देते हैं। जब ये सूख जाता है 2-3 दिन हम इसको सुखाएंगे, फिर इसको हम छलनी से छान लेंगे, बारीक छलनी से। बारीक छलनी से छलने के बाद इसको शीशियों में भरेंगे। जब बिल्कुल छलनी से छान चुके होंगे, शीशियों में भरने वाले होंगे, तो इसमें 10 ml अमृत धारा डालेंगे। अमृत धारा जो हमारी बन रही है, ठीक है, उसको 10 ml डालेंगे। एक तो उससे खुशबू आ जाएगी, दूसरी बात वो हमारे दांतों के दर्द के लिए भी अच्छी है। जैसे हमारे सिर दर्द के लिए अच्छी है, ऐसे दांतों के दर्द के लिए भी अच्छी है। ये देख लो बेटा, अमृत धारा बन गई।